अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे करेक्टर से मिलवाएंगे जो 47 सालों से एक ही जगह बैठा हुआ है और लोगों को एंटरटेन कर रहा है, बच्चे हों या बड़े। मैं बात कर रहा हूँ चिड़ियाघर, कराची चिड़ियाघर की मरूफ शख्सियत मुमताज़ महल में जो रहती है मुमताज़ बेगम से। बचपन में आपने भी वो करेक्टर देखा होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सर इंसान का है और धड़ जानवर का है। तो कैसे ये करेक्टर वो शख्स करता है और लोग आते हैं यहाँ पे उसको देखते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि जो टिकट घर भी है 40 रुपये, बड़ों के लिए और छोटों के लिए 20 रुपये। तो मुमताज़ महल है, ये कराची चिड़ियाघर की पहचान है, जान है। यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे ज़रूर आता है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है लोगों की जो मुमताज़ महल में जाना चाह रहा है और मुमताज़ बेगम से मिलना चाह रहा है कि वो कैसे बैठती है और वो बातें करती है, लोगों को जवाब देती है सवालात का जो उनसे सवालात किए जाते हैं। तो उसका धड़ लोमड़ी का है और सर इंसान का है, तो इस तरह का ये करैक्टर है। तो मुमताज़ महल में आपको ले चलते हैं और मिलवाते हैं मुमताज़ बेगम से। वालेकुम सलाम बेटा, आप सब कैसे हो और आप सब गार्डन घूमने आए, कैसा लगा? बात करेंगे, दुआ आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तबीयत सही नहीं है इसीलिए लगाए, बाकी बात करना चाहे बात करें, पूछे जवाब मिलेगा, कुछ पूछते चाहे बेटा आप लोग पूछो बात करें। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये दोम है, ये देखो ये दोम, ये पाँव है, ये हाथ है, ये जिस्म है। खाना मुझे खिलाते हैं आंटी है, वो खिलाती है, तैयार भी करती है, गवर्नमेंट की तरफ से आंटी रखी है। और आप लोग बात करना चाहे बात करें बेटा आप लोग भी बात करें, पूछे जवाब मिलेगा बेटा, कुछ पूछते चाहे आप लोग पूछो। मैं अफ्रीका से आई हूँ, अफ्रीका से यहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट लेकर आए, 47 ईयर्स हो गए। और बोलो बेटा बात करें, पूछो पूछो बात करें। मुमताज़ बेगम और कोई बात, और कोई? मुमताज़ बेगम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं आप से भाई, कब से ये सिलसिला चल रहा है जी? इसका हो गया 47 ईयर्स हो गए जी। अच्छा, हाँ जी, 47 साल हो गए आपको? 47 साल हो गए यहाँ। तो इतने अरसे में कैसे, अब आदत कैसी हो गई है कि करेक्टर में रहने की? बस अब तो आदत हो गई, अब तो करेक्टर है, करेक्टर तो चलाना है ना। अपने बारे में, जिंदगी के बारे में अपनी बताएं कुछ। बस जिंदगी गुजर रही है, कोई दिक्कत दे के चला रहे हैं, कोई खुशी दे के चला रहे हैं, बस गुजर रही है जिंदगी, है गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। अच्छा, कितना है इस महंगाई में मुश्किल हो गया? जाहिर है आप, महंगाई में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि देखो एक तो पब्लिक बहुत कम हो गई है, पब्लिक बहुत कम आती है। अच्छा, क्या क्वेश्चंस करते हैं लोग आने के बाद, किस तरह की बातें करते हैं? बस इस तरह बात करते हैं कि ये कैसे बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, बस ये एक एक्सपेरिमेंट है। पर लोगों के जहन काम बहुत कम करते हैं, इसलिए ये चीज़ ऐसे बनी हुई, क्योंकि लोगों की समझ में अभी तक आई नहीं है। 47 ईयर्स हो गए लेकिन लोगों को समझ में ये चीज़ नहीं आई अभी तक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है किसी दिन नहीं किया ये करेक्टर कोई? नहीं, ये करेक्टर तो करना है, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं करेक्टर में हूँ। आप लोग बात करेंगे ना तो मैंने जवाब देना है, अगर गूंगे बन के खड़े होंगे तो फिर क्या जवाब मिलना है, किसको जवाब मिलेगा? बाकी आप लोग बात करेंगे, छोटे बड़े सब जवाब मिलेगा, कुछ पूछते चाहे मेरे मतलब पूछो बात करें। मुमताज़ बेगम और कोई बात करना चाहो बात करेंगे ना, जवाब मिलेगा। आप बड़े कोई बात करेंगे ना तो ये बच्चे खुद बोलेंगे, पर बड़े टेंशन में तो फिर बच्चे तो टेंशन में ही होते हैं ना। आप बड़े कोई बात करें तो बच्चे भी बात कर लेंगे। बाकी मुमताज़ बेगम, हाँ जी, यहाँ मुझे 47 ईयर्स हो गए। अच्छा, और कोई बात? खाना वाना कैसे खाते हैं? खाना मुझे खिलाते हैं, आंटी रखी है, वो खिलाती भी है, तैयार भी करती है, गवर्नमेंट की तरफ से आंटी रखी हुई है। जी जी, और कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआओं से। और पूछो, और गर्मी वर्मी नहीं हो रही? नहीं नहीं, गर्मी नहीं है, गवर्नमेंट जो कहे ना आपको ऐसी वगैरह लगा करते, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है। ये लगा हुआ है सामने दीवार पे, देखो ये मैंने पंखे बंद किए हुए, ये
खाने में सब कुछ खाती हो, सिर्फ मिर्च मसाला नहीं खाती। जज़ाकअल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला आपको नसीब करे। और मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन अगर मैं नहीं होंगी तो मेरी वजह से 6 बंदों का घर का चूल्हा नहीं जलेगा। सही है, अगर मैं नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ ये बंद होगा। ये जो 6 बंदे मेरे पास काम करते हैं तो ये भी नहीं आएंगे, ड्यूटी पर नहीं होंगे, तो इनके भी फिर परेशानी। तो उनको देख कर मैंने भी अपने आप को बर्दाश्त कर देना और कर देना है। इसलिए क्या क्या तो, तकलीफ होती है आपको? तकलीफ तो बहुत सारी होती है, क्यों नहीं तकलीफ। एक जगह बैठने से बहुत सारी तकलीफें आपको होती है, क्योंकि एक जगह बैठने से और फिर 47 सालों से चलाते हुए बैठते हुए आए तो उसमें बहुत सारी तकलीफात होती है। पाँव में दर्द होता है, पाँव में, जिस्म में, हर जगह दर्द होता है। पर क्योंकि एक जगह फिक्स रहना है ना आपको। अब एक जगह अगर इंसान फिक्स रहेंगे, उसको बोलो कि ना इधर जा था ना उधर जा, तो फिर कहाँ जाएंगे वो? और वो भी छोटी सी जगह, 1.5-2 फुट की जगह पे अगर इंसान पूरा दिन रहेंगे तो कैसे? नहीं तो कोई आजमा के देख ले एक दफा। बहुत मुश्किल काम है। जी 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 जी। अच्छा, लोग आते हैं, अब ये सवाल भी करते होंगे कि यार आप एंटरटेन तो कर ही रही हैं कि ये तो झूठ है, इस तरह के लोग बात करते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो कैसे इन लोग इन बातों को बर्दाश्त करती है? बर्दाश्त, देखो बर्दाश्त सबसे बेहतरीन हाल है और खामोशी सबसे बेहतरीन हाल है, उससे ज़्यादा खामोशी बेहतरीन हाल है। पढ़े लिखों में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे सवालात कर जाते हैं कि दिल को बोर्ड टेस्ट पहुंचते हैं, लेकिन बोलते हैं हम नहीं है, क्योंकि असल में सामने वाले इतना पढ़े लिखा हो कि भी ऐसे सवाल करते तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए फिर हम वो बात पी जाते हैं। के मेकअप की भी लोग तारीफ करते हैं, मैंने सुना है। क्या खवातीन क्या कहती हैं आपके मेकअप को देख? खवातीन तो बहुत फिदा होती है, क्योंकि असल में मेकअप है और मेकअप खवातीनों का जेवर है, तो इसलिए वो लोग ज्यादा वो दिलचस्पी लेते हैं मेकअप में कि मेकअप अच्छा है, खराब नहीं होता है। नहीं तो सुबह मेरे मेकअप होती है और उसके बाद ये शाम तलक चल रहा होता है। सही है, लेकिन ये ख़राब नहीं होता, इसमें लकीरें नहीं आती, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से ख़राब हो, चेहरा सही नहीं दिखे, नहीं ऐसा। अच्छा, कुछ जब वॉशरूम जाना हो, ऐसा करना हो तो फिर कैसे काम करती हैं? नहीं, मैं पूरा दिन ऐसा कुछ भी नहीं करती। सही है, मैं सुबह सिर्फ करती हूँ, बाकी जो है ना रात को फिर। सही है, बर्दाश्त उसका भी है। इतना बर्दाश्त है जी। अच्छा, लोग बाहर से आते हैं देख के क्या बातें करते हैं आपसे? लोग आते हैं देखते हैं, उनको एक अजूबा दिख रहा होता है कि ये अजूबा कैसे है कि ये ऐसे एक जगह पे रहते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और फिर कोई गुस्सा नहीं है, कोई गम का इजहार नहीं करते, तो लोग खुश हो के जाते हैं। भले मेरे दिल में जितना भी गम हो, लेकिन सामने वालों को नहीं बताते। वाह, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सुहेल भाई? खैरियत है? ठीक ठाक, तबीयत सही है? जनाब आप सब कैसे हैं? दुआ है आप सबके अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग सुहेल भाई के साथ आए घूमने फिरने, कैसा लगा गार्डन? हमारे तो बहुत पुरानी जान पहचान है। गार्डन के ऐसा है तो पहचान तो होगी ना फिर। और आप लोग बात करेंगे, पूछेंगे, जवाब मिलेगा, कुछ पूछते चाहे आप लोग पूछो, बात करें। ये देखिए, ये दो में, ये पाँव है, ये हाथ है, ये जिस्म है। वाह वाह, जब गमजदा होती हैं तो फिर कैसे दिल चाहता है ये करेक्टर करने का? चाहता है नहीं चाहता? जब कोई चाहता तो नहीं है, लेकिन क्या करे, सामने वाले हमारे ऊपर इतना उम्मीदें रख के आते हैं तो इसलिए हम उनकी उम्मीदें नहीं तोड़ते ना। अच्छा, आपकी आंखों में इस वक्त मुझे नमी नजर आ रही है, तो कितना क्या ये पीछे क्या दर्द है ऐसा? बहुत सारे दर्द हैं, अगर दर्दों के बारे में पूछोगे तो 47 सालों से लेके अभी तक दर्द कोई सुनी नहीं। अभी एक वीडियो चल रही है, अभी एक वीडियो चली भी है कि मेरे नाम से कि वो उसका इंतकाल हो गया। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर एक चीज़ के इंतकाल हो जाए तो वो यहाँ आके पब्लिक से कैसे बात करेगी? वो भी तो किसी ने इंटरव्यू दिए है, पर जिसने भी दिए गलत दिए है, लेकिन अच्छा, लोगों ने ऐसा बोला है ना मुझे, तो ये रोने के मुकाम है ना कि देखो अगर एक जिंदा सही सलामत को तुम बोलो कि मर गया तो फिर बेकार है ना, दुख तो फिर दुख है ना। क्या दुख है ऐसा कि कमाई नहीं हो रही, कोई फैमिली का मसला है, क्या मसला? नहीं, बस दुख तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि फैमिली से भी तो मैं दूर ही रहता हूँ ना। सही है, क्योंकि मैं फैमिली के पास कभी साल में जाती हूँ, साल के अंदर, तो तुम खुद अंदाज़ा लगाओ कि अगर एक फैमिली के पास साल के बाद जाएंगे और उसके घर में 100 मसले मसाइल, जाहिर से बात होते हैं, हर किसी के घर में होते हैं। सही है, लेकिन मैं साल के बाद जाऊँ और फिर भी खुशी नहीं हो तो फिर बेकार है वो जिंदगी, बेकार है। ये देखो, ये दो में, ये पाँव है,
ये हाथ है, ये जिस्म है। बात करना चाहो बेटा आप लोग, बात करें पूछे जवाब मिलेगा। कुछ पूछते चाहे आप लोग पूछो, बात करें। बात करें, आवाम है ना, आवाम तो आवाम के लिए अपना खून भी बहा दो ना तब भी खुश नहीं हो रही है, ये क्या, मसला है। क्या किस सबसे ज्यादा सदमा किस बात से होता है? बस दुख तकलीफ इस बात पे होती है ना कि लोग जब कौम परस्ती करते हैं ना, कौम परस्ती वाली चीजों से दुख तकलीफ होती है कि लोग कौम परस्त हो गए। सही है नहीं ऐसा, लेकिन लोगों में कौम परस्ती आ गई है। क्या कहते हैं? एक दगाबाजी आ गई कि ये प्लाना है, ये डिमकाना है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि देखो अल्लाह ताला की पैदावार सब है, हम तुम सब अल्लाह ताला की पैदावार है, लेकिन लोगों में कौम परस्ती आ गई है। मुमताज बेगम के अंदर कितना गम का पहाड़ है इस वक्त? बहुत बहुत गम का पहाड़ है, अगर ये खोदेंगे ना तो फिर ये 10 दिन में भी खत्म नहीं हो सकती है। तो नाज़रीन, आपने मुमताज़ बेगम की बातें सुनी, उसने अपने दुख का भी इजहार किया और लोग जो उससे सवालात करते हैं उसको देख के हैरत का इजहार करते हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। मुमताज़ बेगम जिसका असल नाम मुराद है, उसने हमें बताया कि उसके बारे में किसी ने इस तरह की अफवाह फैला दी है कि वो मर गया है। तो ऐसा नहीं है, वो बड़ा दुख में है, सदमे में है कि इसके बारे में ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। वो ज़िंदा है, वो रोज़गार कमा रहा है, उसका घर चलता है इससे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आते हैं उसकी तस्दीक ना करें, उसको करैक्टर की हद तक देखें, एंटरटेन हो। कोई वो असल में वो करैक्टर नहीं है कि वो लोमड़ी का बन गया है, वो लोमड़ी है, सर इंसान का है। तो उससे एक चिटचैट ऐसी करें कि वो बस उसका दिल आज़ारी ना हो, यानी कि उससे चटपटी बातें करें, उससे पूछें कि आप मेकअप कैसे करते हैं, आप इस तरह की बातें करें, मगर उसकी दिल आज़ारी ना की। उसको भी दुख पहुंचता है, वो भी इंसान है, वो भी दिल उसके अंदर भी है, उसका भी दिमाग है, वो भी सोचता है कि यार मैं एक रोज़गार कमा रहा हूँ 47 सालों से, गो के लोग अब बहुत बाशऊर हो गए हैं, इसको देख के लोग आते भी नहीं है, बता रहे कि लोग इसके बाद अब आते भी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये फ्रॉड कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई सबको पता है, हमें भी पता है, लेकिन एक करैक्टर की हद तक देखें, उसको बच्चों को खुश करवाने के लिए और एक तफरी की नीयत से इसको देखें। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आप भी जब चिड़ियाघर आएंगे तो मुमताज़ महल का ज़रूर रुख करेंगे और इसकी हौसला अफजाई करेंगे।